हेलो एंड वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी शो प्रेजेंटेड बाय क्रिकेट ज्ञान। मेरा नाम है अर्पित और मेरे साथ फिर से जुड़ गई हैं आस्था। गाइज एक और फैंटेसी की टीम बनाने आ गए हैं। वर्ल्ड कप का 29वां मुकाबला इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एक बड़ा मुकाबला है, पर इंग्लैंड की तरफ से बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज आई नहीं है और शायद ऐसा लग रहा है कि सेमीफाइनल में भी ना जा पाए। पर जिस तरीके की इंडिया ने परफॉर्मेंसेज दी हैं, अभी तक एक भी मैच नहीं हारी और शायद ये मैच भी ना हारे क्योंकि इंग्लैंड की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। इस मैच के बारे में बात करेंगे, फैंटेसी की टीम देंगे, पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैच होने वाला है एकाना स्टेडियम में, उस पिच के बारे में बात करेंगे, पिच किस तरीके की है, कैसे परफॉर्म कर रही है। आस्था क्या लग रहा है, बैटिंग को मदद है या बॉलिंग को? देखिए अर्पित, पिच की बात करूँ तो बैटिंग को बहुत ज़्यादा मदद है क्योंकि ये वही पिच है जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था और वहाँ पर पहले साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करके 311 रन बना दिए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैटिंग में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेल्प है, बट यहाँ पर कहीं ना स्पिनर्स का एक एज ओवर है। यहाँ पर स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, चाहे वो फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे वो सेकेंड इनिंग्स हो। तो हमें अपनी टीम में ना इस बार स्पिनर्स को ज़रूर रखना है। तो गाइज आपने देख ही लिया, स्पिनर्स को आपको रखना है और दूसरा ही मैच हो रहा है इस पिच पे। अलग अलग पिचेस पे मैच होते हैं और इस पिच पे जैसा कि आस्था ने बताया, पहला मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुआ था, वहाँ पे साउथ अफ्रीका ने 311 रन्स जड़ दिए थे। तो बैट्समैन के लिए भी बहुत ज़्यादा मदद है और रन्स लगने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन भी आपको लेने हैं और इंग्लैंड के बैट्समैन देख लेना क्योंकि स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। यहाँ से वेदर की बात कर लेते हैं आस्था, कुछ बारिश के आसार नजर आ रहे हैं? फॉर्चुनेटली बारिश के कोई आसार नहीं है, मतलब फैंस बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं क्योंकि जो टेम्परेचर भी है वो आपका 30 डिग्री के आसपास है। हाँ मतलब थोड़ी सी गर्मी कह सकते हैं कि महसूस हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है ना मैच इतना हाइप्ड है, इतना पम्प्ड अप है और जो इंडिया के फैंस हैं वो पहुंचने वाले हैं, तो ह्यूमिडिटी भी 33% है जो मुझे लगता है वहां जाके बढ़ने वाली है क्योंकि फैन जैसे खचाखच भरे होते हैं तो जगह तो सांस लेने की भी नहीं होती। बट हाँ, तो बारिश के चांसेस भी हैं, फॉर्चुनेटली मज़ा आने वाला मैच में, मज़ा आने वाला है, फैंस खचाखच भरे रहेंगे और बारिश के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। और जैसा आस्था ने बताया स्पिनर्स को असिस्टेंस है तो शायद प्लेइंग 11 में थोड़े से बदलाव हो जाए इंडिया के लिए, स्पिनर्स आ जाए। इंग्लैंड में तो खैर इतने स्पिनर्स हैं नहीं। एक बार इंडिया की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, आस्था किस तरीके की लग रही है? बिल्कुल, अगर अर्पित मैं इंडिया की प्रोबेबल 11 की बात करूँ तो उसमें ऑब्वियसली सबसे पहले रोहित शर्मा, शुभमन गिल, उसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवि अश्विन आ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चाओं में इस टाइम चल रहा है कि स्पिनर्स को हेल्प है, तो हो सकता है कि इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ जाए और रवि अश्विन की टीम में एंट्री हो जाए मोहम्मद शमी की जगह। तो गाइस जैसा कि आपने देख लिया इंडिया में एक चेंज हो सकता है। यहाँ से थोड़ी सी बात इंग्लैंड टीम की कर लेते हैं, किस तरीके की प्लेइंग 11 है वो मैं आपको बता देता हूँ। जॉस बटलर, जॉनी बेस्टो, डेविड मलान, जो रूट, बेन स्टोक्स, लियाम लिविंगस्टन, मोइन अली, क्रिस वोक्स, डेविड विली, आदिल रशीद और मार्क वुड। तो गाइस ये थी दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। वेदर की भी बात हो गई है, प्लेयर्स की भी बात हो गई है, पिच की भी बात हो गई है, अब फैंटेसी की टीम बना लेते हैं, किस तरीके की बेस्ट फैंटेसी की टीम नजर आएगी हमारी, आओ एक बार देख लेते हैं। तो चलिए गाइस बना लेते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की बेस्ट फैंटेसी 11। तो अर्पित पहला प्लेयर आप कौन सा लेना चाहेंगे? पहला प्लेयर मैं कुलदीप यादव को चूज करना चाहूंगा। कुलदीप यादव स्पिनर है और जैसा कि आपको पता है इस मैच में स्पिन को असिस्टेंस मिलेगी, चाइना मैन है और इंग्लैंड प्लेयर्स फंसते हैं गाइस स्पिन के अगेंस्ट, तो कुलदीप यादव का ये होम ग्राउंड भी है, तो 3 से 4 विकेट अगर इन्होंने इस मैच में ले ली तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो अगर मैं कहती हूँ जसप्रीत बुमराह ने भी 3 से 4 विकेटें ले ली तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही क्लास बॉलर हैं और अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं टूर्नामेंट के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह की जो लाइन लेंथ और जो स्पीड है उसके आगे ना इंग्लैंड के बल्लेबाज जरूर फंसने वाले हैं अर्पित, तो इसलिए जसप्रीत बुमराह आपकी टीम में तो पक्का होने चाहिए। और जो लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छी दिखाई थी इंग्लैंड के गेंदबाज ने वो थे डेविड विली, पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी कराई, 2 विकेटें ली और नीचे से आके बल्ले से भी आपको रन्स देंगे, तो वहाँ पे भी नॉट आउट रहे थे, तो कंट्रीब्यूट सारे फैसेट्स में करते हैं, इसलिए इनको रहना बहुत ज़रूरी है। एक ऑलराउंडर है, स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर है जो आपको हर फैसेट से पॉइंट्स लेके देंगे, इसलिए डेविड विली अच्छी फॉर्म में आप ज़रूर रखिए। ठीक है, ऑलराउंडर्स की बात हो और इंडियन टीम के रविंद्र जडेजा की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है,
क्योंकि बैट से, बॉल से, फील्डिंग, मतलब हर जगह से आपको रन्स ना ये बटोर के देते हैं, सॉरी पॉइंट्स बटोर के देखते हैं आपको हर जगह से, क्योंकि हमने देखा था पिछले ही मैच में पार्टनरशिप जो जमाई थी विराट कोहली के साथ और गेम को कहां से कहां ले गए थे। तो काबिलियत है इस खिलाड़ी में तो जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स जितवा सकता है। बिल्कुल। और नेक्स्ट प्लेयर की अगर बात कर लें तो वो है इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद। अब गाइस बहुत अच्छी फॉर्म में है, इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं इस टूर्नामेंट में, लेग स्पिनर हैं और यहाँ पे स्पिन को असिस्टेंस भी है, तो कुछ ऐसा यार सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं रखना, इनको ज़रूर रखना, आपको अपनी फैंटेसी की टीम में लगातार विकेट लेके दे रहे हैं। इंडिया के प्लेयर्स भी यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए दिख सकते हैं आदिल रशीद के अगेंस्ट। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड का जो बॉलिंग क्लैन है ना वो स्ट्रगल करता हुआ दिखने वाला है, क्योंकि जो प्रिंस है शुभमन गिल वो अपनी फॉर्म में वापस आते जा रहे हैं धीरे धीरे। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही थी टूर्नामेंट में, शुरू में नहीं थे, पर जैसे ही वापस आए हैं लग ही नहीं रहा कि इन्हें कभी कोई बीमारी भी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है इस वाले मैच में ना एक बड़ा स्कोर देखने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि जो एक पावर पैक कमबैक चाहिए विश्व कप में वो ये प्लेयर तलाश रहा, और मुझे लगता है कल के मैच में ना वो पूरा होने वाला है। बड़ी इनिंग्स आने वाली है गाइस, ये मुझे भी ऐसा लग रहा है। और एक और प्लेयर से बड़ी इनिंग्स अगर आ सकती है और आप सरप्राइज ना हो तो वो है जो रूट। स्टार्टिंग में बढ़िया परफॉर्मेंस की थी पर पिछले कुछ मैचेस से हल्के हैं, हल्के दिख रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, पर इस इंडिया के अगेंस्ट जब जब खेलते हैं बेहतरीन खेलते हैं, इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इनका, और हैरानी की बात नहीं होगी अगर इस मैच में ये चल जाएं और एक अच्छी इनिंग्स दे। एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इंग्लैंड को वापसी करवा सकते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इस मैच में, इनको ज़रूर रखिए। बिल्कुल। और रोल तो मुझे लगता है केएल राहुल का भी ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जिस हिसाब की इन्होंने अमेजिंग पार्टनरशिप्स कर ली हैं विराट कोहली के साथ या फिर जितनी अमेजिंग नॉक्स कर लिए ना इस पूरे विश्व कप में वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि कमबैक ऑफ केएल राहुल भी इस विश्व कप को कहा जा रहा है अर्पित, क्योंकि हमें पता है 97 पर थे और फिर पिछले मैच में थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे, बट इस मैच में बड़ी इनिंग्स तो इस खिलाड़ी के बल्ले से भी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। और बड़ी इनिंग्स अगर इंग्लैंड की बात कर लें, इंग्लैंड का एक और खिलाड़ी की तरफ से आ सकती है तो वो है डेविड मलान। अब लगातार रन्स बना रहे हैं, सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं इंग्लैंड के लिए इस वर्ल्ड कप में, इसलिए इनको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से इस सरफेस पे बैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा असिस्टेंस है, लेफ्ट हैंडर हैं, आपको रन एक बार अगर चल गए रुके नहीं और सेट हो गए तो शायद बड़ी इनिंग्स इनके बल्ले से भी देखने को मिल जाए, इसलिए डेविड मलान को ज़रूर रखिए। बिल्कुल। बड़ी इनिंग्स तो मैं चाहती हूँ कि इस खिलाड़ी के बल्ले से आए, मतलब कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो जो हमारे वाइस कैप्टन हैं विराट कोहली पिछले मैच में 95 पर आउट हो गए थे, उससे पहले भी हार्ड लक रहा था 85 पे आउट हो गए थे, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार वो जो फाइनल 100 वाला कन्वर्ट है ना वो इस खिलाड़ी के बल्ले से निकले, और इनको आप एज एन कैप्टन भी रख सकते हैं, क्योंकि ये कोई डाउट ही नहीं है कि विराट कोहली को कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन के कंटेंशन में क्यों ही रखा जा रहा है। बिल्कुल। और अगर एक और प्लेयर है जो कंटेंशन में रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के तो वो है हमारे रोहित शर्मा। अब गाइस विराट कोहली बड़ी बड़ी सेंचुरी इसलिए भी लगा पा रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा स्टार्ट बहुत अच्छा दे रहे हैं, जिस तरीके की फाउंडेशन ये क्रिएट कर रहे हैं ना हर मैच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और आपको भी पता है हर मैच में एक बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं और उसी को कैपिटलाइज कर रहे हैं विराट कोहली और मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स। हालांकि एक बड़ी नॉक नहीं आई है पर 40-50 रन, हाफ सेंचुरीज, और शायद इस मैच में कन्वर्ट करके इस टूर्नामेंट में इनके बल्ले से आ जाए, और हैरानी नहीं होगी गाइस जिस तरीके की फॉर्म में है, एक बार चलने लगे तो ये रुकने वालों में से नहीं है, इसलिए कैप्टन हमारे रोहित शर्मा और वाइस कैप्टन विराट कोहली रहेंगे। एक बार टीम दोबारा देख लेते हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन मैंने आपको बता दिए हैं, उसके बाद केएल राहुल, डेविड मलान है, शुभमन गिल, जो रूट, रविंद्र जडेजा, आदिल रशीद, जसप्रीत बुमराह, डेविड विली और कुलदीप यादव। तो गाइज ये थी हमारी इस मैच की बेस्ट फैंटेसी की टीम, आई होप यू लाइक दिस टीम, और अगर अच्छी लगी हो तो ड्रीम इलेवन या कोई जिस भी फैंटेसी ऐप पे आप गेम खेलते हैं वहाँ पर ये टीम लगाइए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स जितवा के देगी। ऐसे ही सारे मैचेस की टीम हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, हर मैच के वर्ल्ड कप की टीम के लिए आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। सीजी फैंटेसी शो के नाम से यूट्यूब पे हमारा चैनल है, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। इंस्टाग्राम पे सारे अपडेटेड पॉइंट्स जाते हैं सीजी फैंटेसी शो के नाम से, वहीं टेलीग्राम पे भी हम एक्टिव हैं, टॉस के बाद जो अपडेटेड टीम है वो टेलीग्राम पे जाती है हेड टू हेड और ग्रैंड लीग की दोनों। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।